दो दिन पहले महाराष्ट्र के पिंपल गांव मंडी में काम करने वाले व्यापारियों के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी के बाद प्याज की कीमतों में कमी आने लगी है। मुंबई में प्याज की कीमतों में 15 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई है। दो दिन पहले जो प्याज 45 रुपए किलो में बिक रही थी, वही प्याज आज 30 रुपए किलो के भाव पर बिक रही है। मुंबई में आज प्याज की आवक 100 क्विंटल तक पहुंच गई है। ऐसे में अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसके दाम में और कमी आ सकती है। पिंपल गांव बसवंत कृषि उपज मंडी समिति में आयकर विभाग की ओर से 6 प्याज व्यापारियों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। अधिकारियों व कर्मचारियों ने व्यापारियों के कार्यालयों व बैंक खातों को चेक किया था, जिसके बाद आयकर विभाग ने नकदी भी जब्त की है। उनकी बिक्री और बिल बुक आदि को खंगाला गया था। बताया जा रहा है कि इस कदम से बाजार नियंत्रण में आ गया है। वहीं भारी बारिश के कारण खेत में लगाए गए प्याज के पौधे भी खराब हुए हैं। उधर बदले मौसम का असर गर्मियों में स्टोर करके रखे गए प्याज पर भी पड़ रहा है, जिससे प्याज को काफी नुकसान भी हुआ है। इससे घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। नतीजतन दिवाली के खुदरा बाजार में प्याज का भाव आसमान छू रहा है, लेकिन अब आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद प्याज का बाजार पहले के मुकाबले नियंत्रण में आ गया है। ऐसा लगता है कि प्याज के व्यापारी स्टॉक जमा कर कीमतें बढ़ा रहे थे। वहीं महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले ने बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार है। ऐसे व्यापारियों के ऊपर एक्शन होना ही चाहिए जो जमाखोरी करके दाम में वृद्धि कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्याज उत्पादक किसान अब बिक्री के लिए व्यापारियों के भरोसे नहीं बैठेंगे। वे डायरेक्ट सेलिंग की योजना बना रहे हैं ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा हो। व्यापारियों की वजह से इन दोनों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।